नमस्कार, आज मैं छोले बनाने जा रही हूँ। मेरे पास 1 kg छोले हैं। इसको हम पूरी रात पानी में भिंगा के छोड़ दिए थे और इसको सुबह धो के साफ़ करके इसे फिर से हम थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के छोड़ दिए। छोले बनाएंगे वो हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। अब हमेशा चाय पत्ती डाल के बनाते हैं कि उसका कलर अच्छा आएगा, तो हम लोहे की कढ़ाई में आपको दिखाते हैं बना के। उसमें हम आंवला पाउडर डालेंगे, चाय पत्ती नहीं डालेंगे। उसका कलर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रहेगा। और लोहे की कढ़ाई में बनाने के साथ साथ स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक भी रहेगी, तो आपको हम दिखाते हैं बना के कि हम कैसे लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। तो मेरे पास ये भींगे हुए छोले हैं 1 kg। इसे हम लोहे की कढ़ाई में उबलने के लिए छोड़ देंगे। और छोले में डालने के लिए हम 1 चम्मच आंवला पाउडर ले लिए हैं, 1/2 चम्मच नमक ले लिए हैं, 3 तेज़पत्ता ले लिए हैं और 3 से 4 दालचीनी ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ले लिए हैं और 1 छोटी इलायची ले लिए हैं। इसे हम खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं इसे हम खोल दिए हैं। इसे हम डाल देंगे। अब हम लोहे की कढ़ाई में गर्म पानी डाल देंगे। 1 गिलास के आसपास हम पानी डाल दिए। इसमें भींगे हुए छोले डाल देंगे। अब इसमें हम तेज़पत्ता डाल दे रहे हैं, आंवला का पाउडर है आपके पास, अगर आंवला गोटा आंवला है तो उसे भी डाल दे सकते हैं, हम पाउडर बना के रख लेते हैं इसीलिए। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, 3 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 1 बड़ी इलायची छोटी इलायची डाल देंगे। अब इसे गैस पे उबलने के लिए रख दिए हैं। इसे हम उबाल देंगे 5 मिनट। इसे हम तेज़ आँच पर पहले उबाल लेंगे, उसके बाद धीमी आँच पर 5 मिनट उबालेंगे। 10 से 15 मिनट इसे हम उबाल लेंगे, जितना देर में अच्छे से ये पक जाए। एक हम लोहे की गरम करके कढ़ाई ले लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा कढ़ी पत्ता डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच हम धनिया डाल देंगे। धनिया के बीज हैं ये। छोला के लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। 1 चम्मच है जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, 1/4 सौंफ है, 1/4 अजवाइन है, 2 तीखी वाली लाल मिर्च है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची है, जावित्री है, 2 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 लौंग है। 1 से 2 मिनट इसे हम गैस पे चला लेंगे धीमी आंच पे, जिसमें चटचट की आवाज़ आने लगेगी गैस हम बंद कर देंगे। हल्की सी चटचटाहट की आवाज़ आ रही है, हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसे हम पीस लेंगे। 5 मिनट तेज आँच पे पकाने के बाद देखिए छोला का कलर ऐसा हो गया आंवला पाउडर डालने से, और इसे धीमी आंच पे 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट और इसे धीमी आंच पे हम पकने देते हैं। ये हम पाउडर तैयार करके रख लिए हैं। इसके लिए कुछ मसाला तैयार कर लेंगे। 2 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ी सी लहसुन, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं, इसे हम पीस लेंगे। अदरक सुखा के रखा हुआ है, इसको सौंठ बोला जाता है, इसे भी हम पीस लेंगे। इसमें 5 मिनट तेज आँच पे और 5 मिनट धीमी आँच पे पकाने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से है छोला। इसमें बहुत अधिक पानी नहीं है, पानी अब सूख जाएगा। हम आपको एक छोला दबा के दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फूट जा रहा है। इसे हम उतार लेते हैं। इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। इसे हम रख लेते हैं अलग। जो हम प्याज और टमाटर से मसाला तैयार करेंगे उसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच के आसपास छोला भी डाल देंगे। इसे भी हम डाल के पीस लेंगे। इसी में हम 3 प्याज काट लेंगे और इसे हम डालेंगे लगाने के लिए छोले में। अब कढ़ाई हम गैस पे रख दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, आंवला के चलते काला दिख रहा है। इसमें हम तेल डाल देंगे 3 चम्मच के आसपास। इसमें हम तेल डाल, तेल गर्म है, आँच धीमी रखेंगे हम। इसमें जीरा डाल देंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 2 साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 तेज़पत्ता, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता, हींग डाल देंगे। 1 से 2 बार कढ़ी को मिला लेंगे अच्छे से। कटा हुआ प्याज डाल देंगे, सभी को मिला लेंगे। थोड़ी सी नमक की, प्याज जल्दी से पक जाए मिला देंगे। प्याज बिल्कुल पक गया है। इसमें हम 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, दोनों को मिला लेंगे। 1 से 2 बार भूनने के बाद मसाला तैयार करके रखें, उसे हम डाल देंगे। इसमें हम मसाला डाल देते हैं, इसे भी हम मिला देते हैं और इसमें भी नमक डाल देंगे कि मसाला ज़रा जल्दी से पक जाए। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे, मिला देंगे नमक को और इसे ढक के धीमी आंच पे 5 मिनट पकने देंगे।
पाँच मिनट धीमी आंच पे पकाने के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए तेल अलग हो रहा है, लेकिन इसे हम अभी और पकाएंगे। मसाला का पानी डाल के इसे हम पाँच मिनट और ढक के पकाएंगे। इसमें मसाला का पानी डाल देते हैं और इसे हम पाँच मिनट तेज आँच पकाएंगे। पाँच मिनट तेज आँच पे पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के पाँच मिनट और हम पकाएंगे इसे तेज आँच पे। इसमें थोड़ा सा मसाला का पानी डाल देते हैं और इसे हम पाँच मिनट और पकाएंगे तेज आँच। सात मिनट तेज आँच पे भूनने के बाद देखिए इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि तेल ऊपर से दिखने लगे, इसीलिए हम कभी धीमी आँच पे कभी तेज़ आँच पे पका रहे थे, क्योंकि मसाला अधिक है तो बहुत धीमी आँच पे पकाएंगे तो जल्दी पकेगा नहीं, इसीलिए हम कभी तेज़ आँच कभी धीमी आँच पे पका रहे थे। अब इससे तेल अलग होने लगा है। अब इसमें हम जो पाउडर बना के मसाला रखें, छोला मसाला रखें, उसे हम डाल देंगे। तेल बना के जो रखे हैं छोले मसाले, इसे हम डाल देंगे। और दो चम्मच हम कसूरी मेथी रोस्ट करके डाल दे रहे हैं, सभी को मिला लेंगे। जो हम छोले उबाल करके रखे हैं इसे हम डाल देंगे इसमें, अब इसे हम मिला देंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और सात मिनट इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे। इसे हम चला लेते हैं, चला के ढक बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। मसाला भी पक जाएगा और चना भी मेरा अच्छा से पक जाएगा। अब इसे हम ढक देते हैं, हम देख लेते हैं ढक्कन हटा के। देखिए पूरा तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे और आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप इसमें पानी डाल दो। आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं या थोड़ी पतली रख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इसमें हम थोड़ा पानी डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम पानी डाल दिए हैं, ऐसे अच्छे से हम चला लेंगे। अब इसे हम ढक के धीमी आँच पर सात मिनट और पकने देंगे, अच्छे से पकने देंगे धीमी आँच पर। देख लेते हैं, देखिए कितना अच्छा छोला बनके तैयार है। इस तरह से आप छोला अगर बनाएंगे तो आपको चाय पत्ती नहीं डालनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं आपको जैसा कलर चाहिए उस तरह का कलर है, रंग है, जैसा रंग चाहिए आपको, और स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों है। साथ साथ इसमें हम धनिया पत्ता काट के डाल देंगे, ढेर सारा धनिया पत्ता इसमें हम डाल देंगे काट के, और इसे भी हम मिला देंगे और गैस बंद कर देंगे। छोला बनके तैयार है। और आप जब छोला को उबालें छोला को, तो आप बीच बीच में चेक करते हुए कि आपका छोला पका है कि नहीं पका है, आप दबा के देखते रहे चना को। उसके बाद आप इस तरह से अगर छोला बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। हम गैस बंद कर देते हैं। अगर आप तड़का लगाना चाहें तभी आप तड़का भी लगा सकते हैं घी से। इसमें हींग डाल दे, जीरा डाल दे, अजवाइन डाल दे, उससे आप तड़का भी लगा सकते हैं। इसमें हम कलछुल में थोड़ी सी घी डाल देंगे एक चम्मच के आसपास। गैस जला देंगे, आंच धीमी रखेंगे और इसे हम जलने देंगे घी को। आप देख सकते हैं घी से धुआं निकल रहा है। हम गैस बंद कर देंगे और इसमें पहले हम अजवाइन डालेंगे, फिर सौंफ डालेंगे, उसके बाद चुटकी भर हींग डालेंगे और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसे अच्छे से जलने देंगे, बंद गैस में ही जल जाएगा ये। अगर आप गैस ऑन करेंगे तो आपका घी जल जाएगा, तो आप बंद करके ही गैस पे रखे रहें। अब हम इस छोले में घी को डाल देंगे जो हम जला के रखे हैं। ये देखिए, अब हम इसे एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। इस तरह से आप भी पूड़ी या पराठे के साथ छोले बना के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।